हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉट नेट कोर्स के इस अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि रेंडरिंग HTML क्या होता है। HTML रेंडरिंग का मतलब होता है कि HTML पेज को कैसे इमेज देनी है, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है हमें स्क्रीन। आप सभी ने पिछले लेक्चर में ये चीज सीखी थी कि कंट्रोलर एक्शन से हम लोग कैसे एक बेसिक स्ट्रिंग URL को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बेसिक स्ट्रिंग, अगर बेसिक बिल्कुल स्ट्रिंग URL है हमारे पास, तो कंट्रोलर उस पर क्या कौन सी एक्शन परफॉर्म करेगा, ये चीज हम लोग ने पिछले लेक्चर में सीखी थी। पर क्या आपको लगता है कि हमेशा ये ऐसी बेसिक स्ट्रिंग ही एक्शन पे परफॉर्म होनी होंगी? नहीं, एक्चुअली जो रिस्पॉन्स हमेशा ब्राउजर देता है वो हमेशा एक बेसिक स्ट्रिंग URL पे नहीं देगा। कभी कभार उसको HTML के पेजेस को भी रेंडर करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड करना होता है। ये चीज हम लोग रेजर टेक्स्ट के माध्यम से करेंगे। ये एक मेथड होता है HTML पेजेस को रेंडर करने का। इस लेक्चर में आपको मैं क्लाइंट साइड एक्सपीरियंस को भी समझाऊंगा कि क्लाइंट साइड एक्सपीरियंस को डायनेमिकली हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डॉट नेट कोर MVC व्यूज रेजर सिस्टम सिंटैक्स से कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों, HTML पेज को रेंडर करने से हमारे पास एक व्यू अच्छा करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है रेजर मेथड से। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रेजर मेथड से एक HTML व्यू या CSS पेज को हम लोग कैसे रेंडर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम लोग को एक व्यूज नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग HTML पेज को रेंडर करेंगे रेजर सिंटैक्स के माध्यम। फोल्डर को अपने एप्लीकेशन में कैसे ऐड करना होता है, ये मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था। आप देख सकते हैं कि व्यूज नाम का एक मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब सबसे जो मेन काम होगा हमारा वो ये होगा कि HTML पेज को हम कैसे अपने व्यूज फोल्डर में शिफ्ट करें। ये करने के लिए हम वही अपने वापस www रूट फोल्डर पे जाएंगे। आपको ये इंडेक्स नाम का ये HTML पेज जो है ये आपको दिख रहा होगा, आपको इसको जाके सीधे कॉपी करना है। कॉपी करके आपको इस व्यूज वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना होगा। ध्यान रहे कि ये जो index.html पेज है, इसको हम लोगों को CSS और HTML दोनों के ही एक रेंडर रेजर सिंटैक्स से करना होगा। रेजर सिंटैक्स से मेरा मतलब होता है हम लोग को इस HTML पेज में को एक रेजर सिंटैक्स के माध्यम से CSS HTML में कन्वर्ट करना होगा। इसको करने के लिए हम लोग इसका नेम इसको रीनेम कर देंगे। रीनेम कुछ इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि index.cshtml के नाम से हमने ये एक CSHTML पेज जो रेजर सिंटैक्स के माध्यम से हमने यहाँ बना दिया है। आप देख सकते हैं इसके पीछे एक बैकएंड जो कोडिंग है इस CSHTML पेज के। और एक बार फिर हम अपने स्टार्टअप पेज पे जाते हैं, स्टार्टअप पेज को डीबग करते हैं और हमारा पेज पूरी तरह से ये रन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई एरर मैसेज नहीं आया। इससे हमें HTML पेज को रेजर सिंटैक्स के माध्यम से अपने एप्लीकेशन में कैसे रेंडर करना है ये जाने हैं।